नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं आपको टैंक में ये वाटर लेवल कंट्रोलर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। ये जो है दोस्तों ऑटोमेटिक मोटर को ऑन ऑफ करता है। टैंक आपका जब फुल हो जाएगा तो ये मोटर को ऑटोमेटिक बंद कर देगा, और जब टैंक आपका खाली हो जाएगा तो ये मोटर को ऑटोमेटिक ही स्टार्ट कर देगा। तो इसका कनेक्शन कैसे होता है दोस्तों, आज मैं कैसे इसको इंस्टॉल करूंगा, जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस वाटर लेवल कंट्रोलर को इसको मैं यहाँ पर लगाया हूँ, और इसके पीछे एक कील दिया हूँ, उसके ऊपर ये हैंग हो गया है, और यहाँ पे नीचे मोटर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये मोटर है, इससे जो है दोस्तों आधा एचपी से लेके 1 एचपी तक मोटर को चला सकते हैं। इसमें जो है 16 एम्पीयर का रिले लगा हुआ है, और इसका कनेक्शन दोस्तों मैं सिंगल मोटर चलाने के लिए किया हूँ। अगर आपको डबल मोटर चलाना है तो कनेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ से वो चेंज होगा। ठीक है, चलिए मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये इसका डायग्राम है। ये वाला जो डायग्राम है दोस्तों वो सिंगल टैंक के लिए है, और ये वाला जो डायग्राम है दोस्तों ये डबल टैंक वाला है। अगर ऊपर नीचे टैंक है तो इस तरह से कनेक्शन होगा इसका, ठीक है, और अगर सिंगल टैंक है तो इस तरह से कनेक्शन होगा। यहाँ पे सेंसर के लिए दोस्तों 5 कनेक्टर दिया हुआ है। ये देखिए, अगर सिंगल टैंक है तो ये 3 आपस में शॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद इस तरह से टैंक में डालना है। ये देखिए दिया हुआ है डायग्राम में। और अगर आपका डबल टैंक है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो इस तरह से कनेक्शन होगा इसका। तो मेरा सिंगल टैंक है, तो सिंगल टैंक में मैं इस तरह से तीनों को शॉर्ट कर दिया हूँ, और मैं ये वाला सेंसर नहीं लगाऊंगा इसमें। इसके साथ में दोस्तों ये वाला सेंसर दिया हुआ है, इन तीनों को इस तरह से लगाना है टैंक में। ये देखिए, एक सबसे नीचे जाएगा ग्राउंड में, उसके बाद एक जो है सेंटर में आएगा, और एक जो है दोस्तों सबसे ऊपर आएगा, यानी कि जब टैंक फुल होगा तब मोटर बंद हो जाएगा। अभी इसमें मैं ये सेंसर नहीं लगाऊंगा, इसमें मैं फ्लोट सेंसर लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये फ्लोट सेंसर है, ये वाला लगाऊंगा मैं। इसमें दोस्तों मिल जाता है हमको लेवल एडजस्ट करने के लिए, और इसमें जो है दोस्तों अगर मैं इसको लगाता हूँ तो पानी जैसे ही थोड़ा सा खाली होगा तो ये बार बार ऑन ऑफ होगा, डिस्टर्ब होना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको हटा के ये फ्लोट सेंसर लगा रहा हूँ इसमें। तो अभी चलिए मैं कनेक्शन बताता हूँ इसका, मशीन में मैं कैसे किया हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं डायग्राम के हिसाब से इसका कनेक्शन किया हूँ, और इसमें मैं फ्लोट वाल्व लगाऊंगा, तो इसका कनेक्शन मैं चेंज कर दिया हूँ। ये देखिए यहाँ पे 5 टर्मिनल दिखाई देगा, चलिए मैं इसको खोल के जरा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ये है पहला, दूसरा, ये है तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। इनपुट वाला दोस्तों ये देखिए, इसमें मैं 2 वायर कनेक्ट करके यहाँ पे मैं बोर्ड में लगा दिया हूँ, साइड में बोर्ड है। ये देखिए ये बोर्ड है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लगा दिया हूँ। और दोस्तों उसके बाद जो मोटर वाला वायर है, ये देखिए मोटर वाला वायर है वो इसमें कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और बाकी जो सेंसर वाला है तो मैं इन तीनों को आपस में शॉर्ट किया हूँ। ये देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से शॉर्ट कर देना है आपको। उसके बाद दोस्तों बच रहा है ये दोनों, तो ये दोनों को भी शॉर्ट कर देना है। और सेंसर के लिए दोस्तों, फ्लोट सेंसर के लिए 2 वायर यहीं से उठा लेना है। देखिए, एक वायर मैं यहाँ से ले लिया हूँ, एक वायर यहाँ से ले लिया हूँ, तो ये दोनों जो है दोस्तों अब ये ऊपर जा रहा है, ये जाएगा टैंक में। तो टैंक के पास दोस्तों मैं फ्लोट सेंसर लगाऊंगा, ये वाला जो फ्लोट सेंसर है ये वाला मैं टैंक में लगाऊंगा। तो जैसे ही मेरा टैंक फुल होगा दोस्तों, तो ये ऊपर आएगा और मोटर को बंद कर देगा, और टैंक खाली होगा तो ये फिर इस तरह से नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा तो फिर ये मशीन ऑन हो जाएगा। तो चलिए अब मैं टैंक में ये फ्लोट सेंसर लगा के दिखाता हूँ आपको, इसका कनेक्शन हो गया है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे 5 टर्मिनल दिखाई दे रहा है, तो मैं सिंगल टैंक है मेरा, एक ही जगह पे टैंक है दोस्तों, तो इसलिए मैं ये तीनों को शॉर्ट कर दिया हूँ। और आपको भी अगर सिंगल टैंक में इंस्टॉल करना है, अगर ये वाला मशीन आपके पास है, तो ये तीनों शॉर्ट कर देना है आपको। उसके बाद ये दोनों बच रहा, तो ये दोनों को भी शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के बाद दोस्तों आपको 2 वायर यहीं से उठा लेना है, एक यहाँ से एक यहाँ से, अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लोट सेंसर है तो ये वाला, ठीक है। और अगर आपके पास दोस्तों मान लीजिए 2 टैंक है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो इसका कनेक्शन इस तरह से होगा, जैसा मैं पहले डायग्राम में दिखा चुका हूँ। तो अगर 2 टैंक है दोस्तों, तो यहाँ से सब वायर लूप जो मैं किया हूँ यह हट जाएगा, यहाँ से 3 वायर एक टैंक में जाएगा, और यहाँ से 3 वायर एक टैंक में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होगा। अभी मुझे सिंगल टैंक में इंस्टॉल करना है, इसलिए मैं इन तीनों को शॉर्ट किया हूँ, ये दोनों को शॉर्ट किया हूँ। उसके बाद एक वायर यहाँ से निकाल के इन दोनों में से, ये देखिए ये जो 2 वायर है ये जाएगा टैंक में, और टैंक में मैं ये फ्लोट लगाऊंगा। तो चलिए अब मैं इसको लगाता हूँ टैंक में। उसके बाद दोस्तों चलिए मैं थोड़ा स्विच के बारे में बता देता हूँ। ये तो इंडिकेटर है, और मैं अभी सिंगल टैंक है मेरे पास, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। एक बी और जी ये शॉर्ट हो गया है, और एक जो है दोस्तों ये खाली है अभी। एक जो है दोस्तों मोटर ऑन का है, बाकी जो है दोस्तों टैंक का है,
ठीक है, एक नीचे वाले टैंक का है, एक ऊपर वाले टैंक का है। तो अभी इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसको मैं शॉर्ट कर दिया हूँ, मेरे पास एक ही टैंक है। ये स्विच के बारे में बताता हूँ मैं, ये जो स्विच है दोस्तों ये ऑटो मोड और मैनुअल मोड सेलेक्ट करने वाला है। अभी जो है दोस्तों ये मैनुअल में है, मैनुअल में दोस्तों ये हाथ से ऑन करना पड़ेगा, इसको जब हम दबाएंगे तो ऑन होगा और इसको जब दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए स्टार्ट में दबाऊंगा, ये देखिए मोटर ऑन हो गया, और बंद करने के लिए ये स्टॉप दबाना होगा। ये देखिए ये बंद हो गया, और ऑटो में जैसे ही करूंगा तो मोटर ऑटोमेटिक चल जाएगा, ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और नीचे जो मोटर लगा है दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए ये मोटर चालू हो जाएगा। तो चलिए ऑटो में करके दिखाता हूँ मैं। अब देखिए ऑटो में किया मैं, ऑटो में ये मोटर जो है दोस्तों चालू हो गया है, और ये इंडिकेटर भी यहाँ पे मशीन में ब्लिंक हो रहा है। ये देखिए मोटर ऑन का इंडिकेटर। अब इसको बंद करने के लिए दोस्तों टैंक में मुझे ये फ्लोट सेंसर इंस्टॉल करना होगा, ये वाला। तो चलिए अब मैं टैंक में इसको इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे दो टैंक लगा हुआ है, और अभी हवा चल रहा है तो हवा की वजह से आवाज का प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे दो टैंक दिखाई दे रहा है, तो दोनों में आप इसमें से किसी में भी लगा सकते हैं ये फ्लोट सेंसर। इसको मैं इसमें लगाऊंगा क्योंकि जो फ्लो पाइप है उसी के अंदर से वायर नंबर। यहाँ पे दोस्तों ये फ्लोट सेंसर है, और इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे ये वेट मिल जाता है। इसके अंदर पत्थर की छोटी छोटी गोलियां हैं, ये वेट है, ठीक है, ये काफ़ी वजन है। ये इसलिए है ताकि जो है दोस्तों ये पानी में लटक जाएगा, उसके बाद ये इस तरह से फ्लो होगा, ऊपर नीचे ये डाउन होगा इस तरह से। तो इसको मैं इस तरह से लगा लेता हूँ, ये देखिए इसको यहाँ से डालना है। ये देखिए इसको डाल लिया हूँ मैं, और इसका लॉक जो है दोस्तों ये वाला टूट गया है, तो यहाँ पे मैं गांठ लगा दूंगा आगे और पीछे, ताकि आगे पीछे ना हो ये। और इसको लगाने में फ़ायदा ये है दोस्तों, इसमें जो है आप लेबल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए मैं जो साथ में सेंसर मिला था उसको हटा दिया हूँ, उसके बाद ये वाला सेंसर मैं लगा रहा हूँ। इसमें अगर आप चाहेंगे कि 100 लीटर पानी खाली हो तभी मोटर ऑन हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है, पूरा लेबल आप सेट कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। तो चलिए इसको मैं अब इंस्टॉल करूँगा। देखिए ये ओवरफ्लो पाइप दिख रहा है, तो मैं ये फ्लोट सेंसर का जो वायर है इसी पाइप के रास्ते लूँगा मैं बाहर। इसको मैं टैंक में इस तरह से डाल देता हूँ, उसके बाद अब मैं ये वायर को यहाँ से निकालूंगा। देखिए दोस्तों अब ये वायर जो है इस पाइप के रास्ते मैं बाहर निकाल लिया हूँ, और ये जो टैंक दिखाई दे रहा है दोस्तों टैंक में देखिए ये फ्लोट पाइप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे ही पानी भरेगा तो ये ऊपर आएगा, देखिए ये ऊपर आया, तो इस कंडीशन में दोस्तों मोटर को ये ऑफ कर देगा। तो चलिए इसको मैं सेट करता हूँ, इतना पानी पहले से ही है, मैं लेवल इसका सेट करूँगा। तो अभी काफ़ी नीचे है तो इसको मैं बाहर लेता हूँ। ये देखिए अब ये नीचे गया तो मोटर ऑन हो जाएगा, और लेवल को सेट करने के लिए दोस्तों ये जो वेट दिखाई दे रहा है इसका, ये वेट को आगे पीछे करेंगे तो लेवल इसका सेट। अब देखिए दोस्तों ये फ्लोट सेंसर को मैं ये टैंक में इस तरह से इंस्टॉल किया हूँ, मैं अपना चेक करके किया हूँ कि ये टैंक जो है ओवरफ्लो ना होने पाए। और दोस्तों अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मोटर ऑन करके देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक भर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो वेट है इसका, वेट के आगे और पीछे दो गांठ लगाना है आपको। ये देखिए एक गांठ मैं यहाँ पे लगाया हूँ, और एक जो है दोस्तों यहाँ पे लगाया हूँ, ताकि ये जो है दोस्तों ना ऊपर हो और ना ही ये नीचे होने पाए। तो इसको मैं इस तरह से गांठ इसमें लगा दिया हूँ, उसके बाद दोस्तों ये गांठ यहाँ पे लगाया हूँ मैं, जहाँ से ये वायर अंदर हो रहा है। ये देखिए ये ओवरफ्लो का पाइप है, तो ये गांठ मैं यहाँ भी लगा दिया हूँ, ताकि जो है ये अंदर और बाहर ना होने पाए। गांठ को प्रॉपर लगाना है ये वेट में भी, ताकि जो है वेट भी ना आगे पीछे हो, और ना ही दोस्तों ये वायर जो है आगे पीछे हो, नहीं तो लेवल खराब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये गांठ मैं बाहर लगाया हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसको मैं खींच रहा हूँ तो अंदर से भी नहीं खींच रहा है ये, और ना ही दोस्तों जब मैं टैंक से खींचूंगा तो भी नहीं खींचेगा, अंदर बाहर कहीं से भी खींचेगा नहीं ये, तो इस तरह से लेवल इसका सेट रहेगा। ये देखिए अंदर से भी खींचने पर नहीं खींच रहा है, और ये वेट में भी गांठ लगा तो ये भी नहीं खींचेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सेट करना है, और आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा इसको। और अब चलिए दोस्तों इसका वायर मैं कनेक्ट करता हूँ जो मशीन से आ रहा है, दो वायर, ये देखिए पकड़ना, देखिए यहाँ पे दो वायर दिख रहा है दोस्तों, और ये जो फ्लोट सेंसर है इसमें तीन वायर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे तीन वायर है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, और एक जो है दोस्तों ये रेड कलर का है। तो ये फ्लोट सेंसर वायर का कनेक्शन करने से पहले इसको चेक करना है किस पे NC बन रहा है और किस पे NO बन रहा है। तो कंटिन्यूटी से मैं चेक करूँगा इसको, ये देखिए ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी रजिस्टर है,
तो इसका कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले आपको इसका एनओ और एनसी देख लेना है। यहाँ पे कनेक्शन दोस्तों इसका इस तरह से करना है कि जब टैंक फुल हो जाए तो ये जो है दोस्तों मोटर बंद हो जाए। तो इसमें दोस्तों ये जो दो वायर दिख रहा है, ये जो मशीन से आ रहा है, इसको मैं जोड़ूंगा एक यहाँ पे, ये देखिए, एक ब्लैक वाले में लगाना है और एक को दोस्तों ये रेड वाले में लगाऊंगा मैं। ये जो है दोस्तों अभी एनसी बन रहा है, जब ये जब फ्लोट सेंसर ऊपर आएगा तो एनसी बनेगा और जब फ्लोट सेंसर नीचे जाएगा तो ये एनओ बन जाएगा और ये जो है दोस्तों ब्लू वाला दोस्तों ये एनसी बन जाएगा। तो इस तरह से इसका कनेक्शन करना है। जब टैंक खाली होगा तो फ्लोट सेंसर नीचे जाएगा और ये जो है दोस्तों ये एनओ बनेगा, यानी कि नॉर्मली ओपन। जब दोस्तों ये फ्लोट सेंसर ऊपर आएगा तो इस तरह से ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए फ्लोट सेंसर ऊपर आया है टैंक में, मैं ऊपर करके आया हूँ और यहाँ पे देखिए ऊपर है तो ये जो दोनों है ये शॉर्ट हो गया है। ये देखिए देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कंटिन्यूटी। और जब टैंक खाली होगा दोस्तों तो जो फ्लोट है वो नीचे जाएगा और ये जो है दोस्तों ये खुल जाएगा, यानी कि ओपन सर्किट हो जाएगा तो मोटर ऑन हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं टेप लगा देता हूँ। ये ब्लू वाला खाली छोड़ना है हमें। इसको खाली छोड़ दिया हूँ, इसको मैं दोस्तों सेंसर में लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट सप्लाई में भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट सप्लाई वाला भी वीडियो अपलोड हुआ है मेरे चैनल पे, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसका फ्लोट सेंसर का कनेक्शन हो चुका है, ये देखिए टैंक में। अब जब ये टैंक जो है दोस्तों खाली होगा तो ये जो फ्लोट वाल दिख रहा है दोस्तों ये नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तो मोटर ऑन हो जाएगा, उसके बाद जब ये भर जाएगा दोस्तों तो ये जो है दोस्तों ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद मोटर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये फ्लोट सेंसर का कनेक्शन करना है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए अब मैं मोटर को ऑन करता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए मोटर मैं ऑन कर दिया हूँ, ये देखिए पानी गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये फ्लोट सेंसर यहाँ पे है तो जब ये टैंक भरेगा तो ये फ्लोट सेंसर ऊपर आएगा, ठीक है, उसके बाद मोटर बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं हाथ से चेक करके आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए मैं ऊपर किया हूँ, उसके बाद पानी गिरना यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं इसको नीचे करूंगा तो यहाँ से फिर मोटर ऑन हो जाएगा और पानी गिरने लगेगा। चलिए मैं नीचे करता हूँ, ये देखिए मैं इसको नीचे किया हूँ और मोटर देखिए यहाँ पे ऑन हो गया, फिर से पानी गिर। फिर मैं जैसे ही ऊपर करूंगा ये बंद हो जाएगा, ये देखिए अब मोटर बंद हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। चलिए इसको मैं अभी नीचे करके रख देता हूँ और जब ये दोस्तों खुल जाएगा टैंक तो ये धीरे धीरे अभी ऊपर आएगा पानी के फोर्स से। अभी देखिए दोस्तों टैंक में पानी यहाँ तक भर गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ओवरफ्लो दिख रहा है, ओवरफ्लो से बस ये थोड़ा सा दूर है, अभी भी ये बंद नहीं हुआ, अभी भी ये चल रहा है। यही देखना है मुझे कब ये बंद होता है। मैं चाहता हूँ कि ये जो ओवरफ्लो पाइप है दोस्तों ये इससे जो है थोड़ा सा नीचे रहे, अगर 6 इंच भी नीचे रहेगा और बंद हो जाएगा तो भी सही है। तो अभी देखिए दोस्तों ये टैंक एकदम बिल्कुल भरने को है, जस्ट एकदम ये ओवरफ्लो पाइप से ये देखिए थोड़ा सा रह गया है और अभी ये बंद हो जाएगा, मुझे लग रहा है अभी ये बंद हो जाएगा, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा अभी। तो अभी देखिए दोस्तों ये टैंक पूरा फुल हो गया है और ये फ्लोट सेंसर इस तरह से ऊपर उठ गया है, तो अभी यहाँ पे इस तरह से फिट हो गया है। चलिए मैं जो मोटर कंट्रोलर जहाँ पर लगा है उस वहाँ पर उसको दिखाता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों टैंक फुल हो गया है और ये ऑटो मोड में है अभी, तो इसलिए ये मोटर को बंद कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये B1G1 जो है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है और ये जो मोटर ऑन वाला इंडिकेटर है ये अभी ऑफ है क्योंकि मोटर बंद है। तो टैंक फुल हो जाने के बाद ये इस तरह से बंद हो जाता है और मैं अगर इसको अब मैनुअल पे करता हूँ तो ये चालू हो जाएगा। चलिए मैं एक बार दिखाता हूँ मैनुअल करके। ये देखिए अभी मैं इसको मैनुअल पे कर दिया हूँ
और जैसे ही मैं ये स्टार्ट करूँगा स्टार्ट होगा। देखिए मोटर स्टार्ट हो गया और ये इंडिकेटर ऑन हो गया, ठीक है। और जैसे ही मैं ऑटो पे कर दूंगा तो ऑटो पे टैंक फुल है तो ये बंद हो जाएगा मोटर। ये देखिए अभी ये बंद हो गया क्योंकि ये टैंक जो है दोस्तों वो पूरा फुल हो चुका है।